मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनोहर। आज फिर से एक न्यू अलग ब्लॉग आपके लिए मैं लाया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ भुसावल से बडनेरा, और ये पीछे जो एक्सप्रेस दिख रही है ये किस किस स्टेशन पर यहाँ से रुकती है, और भुसावल से बडनेरा मात्र 3 या 3.5 घंटे का सफ़र है। तो वही सफ़र मैं आज आपके सामने जो है पेश करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में जो ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है, मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से इस गाड़ी को आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी जो है भुसावल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगती है, और यहाँ से ये दिल्ली के लिए रवाना होती है निजामुद्दीन के लिए। शायद गाड़ी का थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 6 बजे का टाइम है अभी, है 5 मिनट गाड़ी के। तो ये गाड़ी देख लीजिए मेरे पीछे आपको दिख रही है। तो चलो बैक कैमरे से मैं थोड़ा सा फिल्माता हूँ, और बाद में फिर गाड़ी में बैठने के बाद में आपके साथ मैं फिर से हाजिर होता हूँ। निजामुद्दीन भुसावल, हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली तक जाती है ये गाड़ी, और ये देखिए गोंडवाना एक्सप्रेस, और इसी S5 डिब्बे में मेरा रिजर्वेशन है। पूरी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिल्मा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में जो है ये गाड़ी निकल जाएंगी, रवाना हो चुकी है ये भुसावल प्लेटफॉर्म से गाड़ी। राइट टाइम जो है 6 बजे निकल चुकी है, और अगला जो नेक्स्ट स्टेशन जो है इसका कौन सा आता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अब गाड़ी ने जो है बहुत ही तेज ऐसा रफ्तार पकड़ा है, आप देख सकते। तो ये आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट स्टॉप वरंगाव तो नहीं है, लेकिन रुक गया है, शायद सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर मुझे कपास की खेती दिख रही है, क्योंकि कपास का थोड़ा सा अच्छा रेट अभी आजकल मिल रहा है। तो मलकापुर का थोड़ा सा सवेरे सवेरे का दृश्य ट्रेन से मैं कवर कर रहा हूँ। भुसावल से फर्स्ट स्टॉप मलकापुरी है, बीच में एक जगह जो है वरंगाव में रुका था। ये देख सकते हैं सामने से एक ट्रेन भी आ रहा है। और ये गाड़ी जो है निकल चुकी है मलकापुर रेलवे स्टेशन से, वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्टेशन सेगाव, सेगाव की जो सुप्रसिद्ध ऐसी कचौड़ी है वो भी मैं टेस्ट लूँगा, और आपको भी दिखाऊंगा कि सेगाव की फेमस कचौड़ी भैया किस प्रकार से फेमस है पूरे इंडिया में। एक छोटा सा स्टेशन है बिश्वा ब्रिज, कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है। नादुरा रेलवे स्टेशन से यहाँ का जो हनुमान बहुत सुप्रसिद्ध है, बहुत ऊँचा ऐसा है हनुमान यहाँ का सुप्रसिद्ध है। और नादुरा का थोड़ा सा दृश्य ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। यहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस जो है नहीं रुकती है। तो अभी आएगा नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो सेगाव आएगा, और सेगाव का जो सुप्रसिद्ध कचौड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन सलंग जो सेगाव के पहले लगता है, और यहाँ भी गाड़ी जो है नहीं रुकती है। और ये आ गया है सेगाव का रेलवे स्टेशन आपको, और ये कचौड़ी कचौड़ी है भैया, कचौड़ी है, कचौड़ी दे दो। कितने की है? 20 का 2 दे दो, दो दे दो, दो गरम। और ये देखिए मैं सेगाव का कचौड़ी आपको दिखा रहा हूँ, 20 का 2 दे रहा है ये, दो दे देना भैया मेरी। और ये देखिए भीड़ है, 20 का 2 कचौड़ी, कचौड़ी हम अभी ले लेंगे। ये भैया सेगाव का कचौड़ी
दो मिर्ची और दो कचौड़ी दिया हुआ है और इसको अभी खाते हैं। ये देखिए ये कचौड़ी है जिसकी मजा ले रहा हूँ, इसके साथ में मिर्ची है। वाह, क्योंकि कचौड़ी बोलते हैं कि बहुत फेमस है, सही में फेमस है। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी कचौड़ी गर्मा गर्म यहाँ मिलता है। अगर आप कभी ट्रेन से सेगांव स्टेशन से आप गुजरेंगे, यहाँ हर दम जो है गर्मा गर्म कचौड़ी मिलती है। आ चुका है अकोला और अकोला के पहले का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकोला जब आता है तो पहले यहाँ एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र लगता है, तो यही जगह पे जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये देखो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अकोला है ना, और ये अकोला की छोटी नदी है जिसको मैं थोड़ा फिल्मा रहा हूँ। आ चुका है अकोला, आप देख सकते हैं अकोला का प्लेटफॉर्म। पूरा फिल्मा रहा हूँ अकोला का प्लेटफॉर्म। यहाँ से थोड़ा इस गाड़ी में जो है भीड़ बढ़ती है क्योंकि बड़ा रेलवे स्टेशन है, भुसावल के बाद में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से भीड़ जो है थोड़ा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ट्रेन में भीड़ भीड़ दिख रही है, तो वही का मैं फिल्मा रहा हूँ नज़ारा। अभी निकलने का समय हो चुका है, आप देख सकते हैं ये जो पुलिस वाला जो है ये लगा रहा है। हम पहुंच चुके हैं मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वही का मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का नज़ारा हम आप दिखा रहे हैं। और ये मेरा लास्ट स्टेशन बन्नेरा जंक्शन आ चुका है, यही मैं अभी उतर चुका हूँ, और यहाँ मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हो। आपको ये मेरा भुसावल टू बन्नेरा का जो ये जर्नी है ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।